हाउ आर यू? दिस इज सोनी फ्रॉम सोनीज कॉर्नर. वेलकम टू माय चैनल. बहुत ही क्रंची, एकदम से बाजार जैसी दालमोठ हम घर पर तैयार कर सकते हैं. तो चलिए बहुत देर न करते हुए शुरू करते रेसिपी. आज हम दालमोठ बनाना सीखेंगे अपने किचन में. और दालमोठ बनाने के लिए यहाँ पर हमने मसूर की साबुत दाल लेनी है. ये मसूर की साबुत दाल है. एक कटोरी हमने मसूर की साबुत दाल ली है और इसको अच्छे से हमें धोना है और ज्यादा पानी में भिगो कर रखना है. तो मसूर की दाल को हमें 4 से 5 बार अच्छे खुले पानी में धोकर और इसे ज्यादा पानी में भिगो कर रखना है. 1/2 टीस्पून मीठा सोडा ऐड कर देना है. और यहाँ पर मीठा सोडा ऐड करने के बाद इसको हम ढककर ओवरनाइट भीगने के लिए रख देंगे. तो ये हमने दाल को 4 बार पानी में, अच्छे पानी में साफ कर लिया है और ये कुछ फूलकर इस तरीके से दिखेगी. तो अभी हम एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से छन्नी रखेंगे. आप किसी तरीके की छन्नी ले सकते हो और इसके अंदर हम दाल डालकर जितना भी पानी है उसको स्ट्रेन कर लेंगे. यहाँ हमने छन्नी के बीच में सारी दाल को डाल लिया है ताकि जितना भी इसमें पानी है वो स्ट्रेन हो जाए. कोई भी टॉवल लेंगे कॉटन का और इसके ऊपर हम सारी दाल को स्प्रेड करेंगे और इसको ड्राई करेंगे 15 से 20 मिनट तक. तो ये हमने टॉवल के ऊपर पूरी दाल को स्प्रेड कर दिया है और 15 से 20 मिनट इसी तरीके से रहने देंगे ताकि जितना भी एक्सेस पानी है वो ड्राई आउट हो जाए और उसके बाद हम फ्राई करेंगे. तो ये दाल को सूखते हुए 20 मिनट हो गए हैं. ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी दाल. तो अभी हम इसे फ्राई करेंगे. तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें से देखिए धुआं निकल रहा है और हमें तेज गर्म करना है ऑयल को. और उसके बाद दाल को लेकर इसके अंदर धीरे से हम, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी होता है इसलिए धीरे धीरे करके हमें इसको ऑयल में डालना है. अगर हम इसे एकदम से डाल देंगे तो तेल बाहर आ सकता है, इसलिए हमें धीरे धीरे करके इसको इस तरीके से पहले पानी को खत्म करना है और उसके बाद. तो यहाँ पर हमने दाल को डाल दिया है ऑयल में और गरम ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है. और ये धीरे धीरे अपने आप फ्राई होकर हल्की होकर ऊपर आ जाएगी, तब हम इसे निकाल लेंगे. इसको फ्राई करते टाइम एकदम से नहीं डालना ऑयल के अंदर, नहीं तो ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा. धीरे धीरे पहले पानी को खत्म करना है और उसके बाद हम इसे ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे. तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो स्प्लिट हो गई है और ऊपर भी आ गई है हल्की होकर और ये अच्छे से फ्राई हो गई है. अभी हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे. अभी हम धीरे धीरे करके ऑयल में से निकाल लेंगे इसको. देखिए ये हमारा दालमोठ जो है वो फ्राई हो गया है और ये देखिए ये स्प्लिट हो जाता है. तो ये देखिए दाल जो है वो स्प्लिट हो जाती है, इसका मतलब हमारी दाल जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है. अभी हम इसको तेल में से निकालकर किसी छन्नी के अंदर डायरेक्ट डाल देंगे ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो नीचे चला जाए. फ्राई जो है वो हमें तेज आंच पर करना है. ये देखिए इस तरीके से पानी को पहले खत्म करना है ऑयल में डालकर और उसके बाद हम जब पानी खत्म हो जाएगा तब हम ऑयल में डालकर इसको फ्राई करेंगे. काफी हद तक हमारा पानी खत्म हो चुका है तो अभी हम इसको ऑयल में डालेंगे. तो ऑयल में पानी खत्म हो जाने के बाद ही ऑयल में डालना है, नहीं तो ये सारा ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा. तो जब भी ये फ्राई हो जाएगी वो हल्की होकर अपने आप ऊपर आ जाएगी. और इसको फ्राई होने में बहुत देर नहीं लगता, 2-3 मिनट के अंदर ही हमारी दाल फ्राई हो जाएगी क्योंकि हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है.
ये देखिए इस तरीके से स्प्लिट होती जाएगी। तो अभी झाग खत्म हो गई है और दाल भी स्प्लिट हो गई है, तो अभी हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये दाल मोठ हमारा बहुत ही अच्छा और एकदम से क्रिस्पी तैयार हो जाएगा, बहुत जल्द तैयार हो जाता है। इसको तलने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी, और इसका मतलब है हमारी दाल फ्राई हो चुकी है। अभी इसको हम छन्नी में ले लेंगे। छन्नी में लेने का मतलब है कि इसमें जो एक्सेस ऑयल होगा वो नीचे आ जाएगा छन्नी से होता हुआ। अभी हम दाल मोठ को खुले बर्तन में डालेंगे। बहुत ही अच्छी और एकदम से क्रिस्पी हमारी दाल मोठ बाजार जैसी रेडी हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी दाल मोठ रेडी हो गई है, एकदम से क्रिस्पी है। और इसके अंदर अभी डालने के लिए हम मसाले तैयार करेंगे। ये हमारे मसाले हैं जो कि हम दाल मोठ के अंदर डालेंगे। काला नमक है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने सादा नमक लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च लेनी है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसे घटा बढ़ा सकते हो। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, और ये चाट मसाला है 1 टेबलस्पून। और इन सभी मसालों के अलावा आपको जो भी मसाले यूज करने हो वो डाल सकते हो, अमचूर पाउडर डाल सकते हो, जीरा भुना हुआ का पाउडर है वो भी डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप कोई भी मसाले और ऐड कर सकते हो। तो ये सभी मसाले हम ये दाल मोठ के अंदर धीरे धीरे डालेंगे। काला नमक डाल दिया, सादा नमक डाल देंगे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और चाट मसाला, ये सभी मसाले ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करना है आपको। और ये सारी मसाले की कोटिंग जो है वो अच्छे से दाल मोठ के ऊपर हो जाएगी, और बहुत ही टेस्टी लगती है घर की बनाई हुई दाल मोठ। और ये बहुत दिन तक ऐसे ही रहेगी, खराब नहीं होती, इसको बहुत टाइम तक हम एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी दाल मोठ बनकर तैयार है, और इसके अंदर हम सेवियां ऐड करेंगे। और बाजार जैसी दाल मोठ तैयार करने के लिए इसके अंदर हम ये सेव ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने दाल मोठ के अंदर सेव ऐड कर दी है पतली वाली, और इसको अभी मिक्स करेंगे, और ये बिल्कुल बाजार जैसी हमारी दाल मोठ तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत ही टेस्टी एकदम बाजार जैसी हमारी घर पर दाल मोठ तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, बाय बाय।